तो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आपका और एक ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, क्या दोस्तों आप लोगों को भी वैसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है ब्लॉग बनाने में? जैसे कि गाइस, मजाक उड़ा देना किसी का, या फिर शर्म लगना, या फिर डर लगना कि कोई आके मार तो नहीं देगा, या फिर गिल्टी फील करना, ऐसा आप लोगों को कुछ लगता है कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हम लोग ब्लॉग बना रहे? तो गाइस जी, बिल्कुल ऐसा हर एक नया क्रिएटर को, हर एक नया ब्लॉगर को ऐसा ही लगता है। आप लोग तो गाइस ये बोल रहे हो ना कि ब्लॉगिंग कैसे करे पब्लिक प्लेस में बिना शर्म आए हुए। सेटअप में भी जब फर्स्ट फर्स्ट बंदा वीडियो बनाता है ना कैमरा के सामने, तो उनको बिल्कुल ऐसा ही गिल्टी फील होता है कि कोई सुन तो नहीं रहा हमारा आवाज। तो दोस्तों, स्वागत है का एक और नए वीडियो में और मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं अपडेट ज्ञान चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग पब्लिक प्लेस में ब्लॉग बना सकते हो, जैसे कि गाइस मैं बनाता हूं, और आप लोगों को एकदम बिल्कुल छिप करके आप लोग ब्लॉग बना लोगे और पब्लिक को मालूम ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने रिया ब्लॉग्स और रंगीला ब्लॉग से भी मिल करके यह चीज उन लोगों से पूछा कि क्या आपको शर्म लगता है ब्लॉग बनाने में, तो गाइस देखो, शर्म वो लोग इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं कि उन लोगों को और शर्म नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया उससे मुझे मालूम चला कि हाँ जी, हर एक क्रिएटर को पहले पहले शर्म लगता है कि कैसे यार क्या सोचेंगे, लेकिन जब आपके अकाउंट में पैसा आने लगेगा तो यार शर्म वगैरह सब गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों को ऐसा दो तीन चीजें बता दूंगा जिसके बाद की गाइस आप लोग ब्लॉगिंग जो पब्लिक प्लेस में वो एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से बना पाओगे। गाइस देखो, फर्स्ट नंबर क्या है कि आप लोगों को एक इंट्रो बना लेना अपना, ठीक है, जैसे कि जो भी ब्लॉग में बोलना है ना वो इंट्रो एकदम आप लोग को रट लेना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का इस ब्लॉग में मैं पनवेल निकल जाने वाला हूँ, ये गाइस एकदम रटा हुआ एक इंट्रो आपका रहना चाहिए। अगर गाइस आपका रटा हुआ इंट्रो रहेगा तो क्या होगा जानते हो, ब्लॉग आप लोग घर से स्टार्ट करोगे। अगर माई लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाओगे या फिर कोई प्लेस जाना है, फिर भी आप घर ही से स्टार्ट करोगे। ब्लॉग तो घर ही से स्टार्ट होता है ना, हमेशा कहीं भी जाने से पहले अपना डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक ब्लॉग बनाया जाता है। तो गाइस क्या करना है कि पहले आप घर का कोई कोना पकड़िए और अपना इंट्रो जो है, सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, ब्लॉग को शुरू करते हैं। इंट्रो आप कहीं पर भी दे सकते हो, अपना घर का कोई भी कोना में घुस करके, ठीक है, इंट्रो बना लिए। अब गाइस मेन काम क्या रहता है, मैन काम रहता है अब आपको जो जर्नी आपका है उसको दिखाना पड़ेगा। तो गाइस देखो, आज के डेट पर ऐसा नहीं है कि आप लोग जर्नी जो दिखाओगे तो आपको एकदम बिल्कुल से नया ब्लॉगर हो और आपको सौरभ जोशी बन जाना है। सो देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ देखिए, वहां देखिए, नहीं ऐसा नहीं होता है और किसी से ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को रियली बताता हूँ, मैं भी ब्लॉगिंग किया हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन गिल्टी फील हमेशा आता है। सौरभ जोशी भी रहे या फिर मनोज दे रहे या फिर कोई भी बड़ा क्रिएटर रहे, भाई गिल्टी फील सभी को होता है कि यार क्या सोच रहे होंगे लोग। तो आप लोगों को करना क्या सिंपल, इसे इंट्रो आप लोगों ने बना दिया, ठीक है, 30 सेकंड का बना दिया या फिर एक मिनट तक कुछ भी इंट्रो घर में टान टून के एक मिनट तक कर दो, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या करना है कि अब आप लोग को क्या करना है, जैसे ही घर से निकलना है तो भाई एकदम ऐसे मोबाइल को ऐसे लो ना जैसे कि पब्लिक को मालूम ही नहीं चला आप ब्लॉग बना रहे हो और आपको मुंह से बोलना ही नहीं है ना, फिर ऐसे उस सब चीज एक एक पार्ट को दिखाते जाओ जहां जहां आप जा रहे हो, जहां देखो कि पब्लिक नहीं है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ रोड में, जिस जगह पर रोड एकदम सन्नाटा है उस जगह पर लेता हूँ मोबाइल और अब थोड़ा सा बोल देता हूँ कि दोस्तों अभी फाइनली हम लोग आधा दूर आ गए हैं, अब फिर आगे जाने वाला है, ऐसा करना है आप लोगों को। तो वैसे गाइस फिर डेस्टिनेशन गए, जहां पर देखे फिर पब्लिक है, क्या करना है आप लोगों को, मोबाइल ऐसे नॉर्मल चलाना है, बोलना नहीं है, एकदम नहीं बोलना, बिल्कुल मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर वैसे चला लिए, ठीक है। फिर जैसे ही गाइस फिर वैसा डेस्टिनेशन आया जहां पर एकदम फ्री वगैरह हो गए या फिर कोई होटल गए आप खाना वाना खा रहे हो, वहां पर थोड़ा सा बोल दिया, वैसे क्या होगा कि आपका ब्लॉग में थोड़ा बहुत आप बोल तो रहे हो, फेस कैम करके बोल दे रहे हो, ठीक है, और बाकी जिस जगह पर आप नहीं बोल पा रहे हो वहां पर सिंपल इसे करना है कि आपका हर एक एडिटिंग जो एप्लीकेशन रहता है जहां पर आप ब्लॉग एडिट करते हो वहां पर गाइस वॉयस ओवर नाम का भी कोई चीज होता है, वॉयस ओवर आप लोगों को कर देना है। और वॉयस ओवर में आप लोगों को एकदम क्या करना है, जैसे कोई वीडियो चल रहा है उसके नीचे आप वॉयस ओवर कैसे किया जाता है ये वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, तब आप लोग को मालूम चलेगा। वॉयस ओवर एक बार देख लेना और उसके बाद जिस जिस प्लेस पे गए हो, जैसे कि मैंने पहले यहां पर दिखा दिया कि यहां पर ये देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं,
दिखा दिया ब्लॉग में। अब गाइस घर में आकर के उसको जब एडिटिंग कर रहा हूं तो वॉयस ओवर पर लेकर गए, तो ये देखिए दोस्तों जैसे जैसे वीडियो चलेगा वैसे वैसे आप लोगों को बोल देना। ये देखिए दोस्तों बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, मंदिर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऐसे करके आप लोगों को बना देना है, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, और देखो आप लोग नए नए हो ना तो ब्लॉग ज्यादा आप लोग मिनट का बनाओ ही मत, मैं तो बोलूंगा 5 से 7 मिनट का बनाओ। उसमें होगा क्या कि 1 मिनट तो आपका घर में ही चला जाएगा इंट्रो में ही, और घर में तो आप आराम से कैमरा चला सकते हो बिना लाज शर्म के। सेकंड नंबर कि आप जहां पर फुर्सत में मिले हो, जहां पर पब्लिक नहीं है, ऑडियंस नहीं है, वहां पर क्या किए, वहां पर 1-2 मिनट आप ऐसे मिल गया तो आपको घर में 1 मिनट और उधर 2 मिनट मान लो कहीं पर बोल दिए फेस कैम अगर कर पाए तो 1-2-3 मिनट का लगभग हो गया उधर। अब बाकी क्या करना, वॉयस ओवर में घुसा देना, उतना पब्लिक भी समझता है, और मान लो कि आपका चैनल ग्रो हो जाए यार तब तो आपका एक्सपीरियंस खुद ही आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग खुद ही ब्लॉग ऐसा बनाने लगोगे एकदम फाड़ दोगे, सौरभ जोशी को फेल कर दोगे। तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाए।